गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने न्यूज ऑब्जर्वर के संवाददाता धर्मेंद्र साहू से खास बातचीत में गुजरात चुनाव के नतीजों पर कहा, विकास की जीत है, मोदी जी की जीत है। आइए सुनते हैं गुजरात चुनाव के नतीजों पर क्या कुछ कहा गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने। भाजपा जीत की ओर अग्रसर है। हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी। काफी चुनाव में रहे, गुजरात गए बार बार, आइए हम बात करते हैं गृह मंत्री जी से। सर, क्या उम्मीद है आपको जीत की आज? ये उम्मीद क्या, अब तो परिणाम आ रहे हैं सामने, और भारतीय जनता पार्टी 3/4 भवन लेके आ रही है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। इसका क्या मूल मंत्र रहा आज? मूल मंत्र विकास है। मोदी जी ने देश के स्वाभिमान को बढ़ाया, गुजरात के सम्मान को बढ़ाया। मोदी जी का मतलब देश के अंदर राम मंदिर का निर्माण, मोदी जी का मतलब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण, महाकाल कॉरिडोर का निर्माण, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। मोदी का मतलब आतंकवाद का खात्मा, मोदी जी का मतलब 370 का खात्मा, मोदी जी का मतलब 35A का खात्मा। मोदी अगर लॉकडाउन लगवाते तो मोदी जी 85 करोड़ लोगों के घर में मुफ्त में अनाज भिजवाते हैं, 20 लाख करोड़ का पैकेज लेके आते हैं। मोदी जी अगर राम मंदिर बनवाते हैं तो IIT, IIM और एम्स भी बनवाते हैं। मोदी जी ताली और थाली अगर भिजवाते हैं तो 18,000 गाँव के अंदर मुफ्त में लाइट भिजवाते हैं। मोदी जी स्टेचू ऑफ यूनिटी बनवाते हैं तो वार मेमोरियल का भी निर्माण मोदी जी करते हैं। ये अद्भुत काम मोदी जी के लोगों ने पसंद किए। संगठन ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी गुजरात चुनाव में, आगे और आपको क्या विश्वास है कि मध्य प्रदेश में चुनाव है, संगठन आपको क्या? मध्य प्रदेश के अंदर आप ये मान के चलिए गुजरात को दोहराएंगे मध्य प्रदेश में।